सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश की एक प्रीमियर एजेंसी है। वो अगर किसी सरकार के उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट करती है, तो अगर हम लोग वास्तव में कानून का सम्मान करते हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त कारण होंगे उनको अरेस्ट करने के। उनके कारणों पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन जिस प्रकार से शराब की नीति के बारे में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के स्पोक्स पर्सन्स ने आज तक आम आदमी पार्टी से और पर्टिकुलरली मनीष सिसोदिया जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पूछे हैं, उनका आज तक कभी भी पब्लिक डोमेन में कोई जवाब नहीं मिला है किसी को भी। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। आपने ऐसी शराब नीति बनाई कि सारी दिल्ली को शराब नगरी बना दिया, गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, और उनको खोलने के लिए आपने शराब के मैन्युफैक्चरर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके संबंधित लोगों को फेवरेटिज्म किया, उनको पॉलिसी पहले से सर्कुलेट कर दी। कितनी सारी बातें बाज़ार में आ रही हैं, आपने कई दर्जन टेलीफोन बदले, आपने कमीशन का जो है रेट बढ़ा दिया, आपने जो है उनको कितने प्रकार के फेवर्स किए, ये सारी बातों का तो आज तक कोई जवाब मिला नहीं है। और अगर सीबीआई को, जैसा कि वो बार बार आरोप लगाते हैं, उसको अगर अरेस्ट करना होता, पहले ही दिन कोई उनका कोई दूसरा एजेंडा होता तो वो पहले ही दिन कर लेते। उन्होंने इतने महीनों तक इन्वेस्टिगेशन किया है। ये सेम बात ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में भी कहा करते थे, और स्वास्थ्य मंत्री जो है आज कई महीनों से जेल में है, सारे देश की जो अदालतें हैं उनका दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आखिर किसी के ऊपर तो विश्वास करना पड़ेगा ना, अदालत के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और ये तो अब देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में कोई भी भ्रष्टाचारी उसको किसी भी कीमत पर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सी पार्टी का है, कौन से वो दल से संबंध रखता है, क्या वो करता है, उसको कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन के बगैर छोड़ेगी नहीं, और अगर वो अपराधी है तो उसको सज़ा भी दिलाएगी।